नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सरकार के जो नियम हैं COVID-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। अभी समय काल ऐसा है कि जहाँ पर हम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति से यही आग्रह है कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तब तक वो घरों से बाहर ना निकले और बेवजह सिर्फ देखने के लिए, घूमने के लिए तो बिल्कुल भी ना निकले। जितना हो सके घर से ही अपने कार्य को संपन्न करने की, उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। हम इतने सालों से संस्थाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके मूल उद्देश्य को, उसकी जो मूल भावना से हम परिचित ना हों। देखा जाए तो पुरातन काल से ही हर इंसान इस प्रकार के काम से सुलभ रूप से अपना जीवन यापन करता आया है, लेकिन जब से कानूनी जामा इसको पहनाया गया है तब से इसके अंदर कुछ नियम कायदे, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि नियम कायदों के बिना रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं रहते। संस्थाओं के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी इसी चीज़ की है कि रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, उसको एक नियम कायदों की एक सीरीज दे दी जाती है कि आपको ये सब चीज़ें करनी हैं, लेकिन उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं है, उसका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। और उसके भी बड़ी बात कि अगर किसी संस्था ने बहुत अच्छे से अपना कार्य करके एक मुकाम पर लेके आ गया, मुकाम पे लाने के बाद में अगर उसमें हल्का सा भी छींटा कहीं से लग गया और पुराना जितना भी इतिहास है, तब पूरी किताबें खोली जाएगी और उसमें छोटी 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 कमियाँ निकाल कर उसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसमें कहीं से कहीं तक भी ना तो डेवलपमेंट है, ना ही उसको संरक्षण देने की बात है। हम अगर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कहीं कुछ गलतियां रह जाती है तो उन गलतियों को सुधारा जाता है, ना कि उस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो हो सकता है कि अपने किसी निजी कारणों से, कोई व्यक्ति विशेष के लाभ की वजह से अगर उसमें कहीं कुछ गलतियां हुई है, तो निश्चित रूप से उन गलतियों का सफाया होना चाहिए, ना कि पूरी संस्था का सफाया होना चाहिए। क्योंकि भारत का जो भी नागरिक है, और वो नागरिक अगर संस्था के साथ जुड़ता है, चाहे वो उसके सदस्य के रूप में, चाहे वो अपने आप को सेवाओं के रूप में किसी भी रूप से जुड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की चीज़ें भी, भविष्य, अपना परिवार, सारा कुछ दाव पे उसके साथ लगाता है। तो ये कहीं से कहीं तक किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि पहले हम किसी ऑथेंटिक चीज़ को स्थापित करें, फिर उसे इसलिए हटा दें क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हो गई। गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, जैसे कहा जाता है कि पाप को हटाया जाए, पापी को नहीं। अगर उसे पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन व्यक्तियों की, उन परिवारों की, उन सभी जो पेट हैं जो खाली रह गए हैं, जो जेबें हैं जो अब बिल्कुल खोखली हो चुकी है, जो पूरा एक भविष्य है जो पूरा अंधकार में जा चुका है, उन लोगों का अपने आप में इसमें क्या योगदान। संविधान में आर्टिकल 19 में इसको जगह दे रखी है, यानी मूलभूत अधिकारों में सहकारी संस्थान को जगह मिली है। 97th अमेंडमेंट में उसका कुछ जिक्र किया गया जिसमें किस तरह से इसको कार्य करना चाहिए, क्या अधिकार है, और साथ साथ में डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है कि कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में कि किस तरह से स्टेट्स की डायरेक्शन, जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे उसमें फॉलो की जाए। सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार राष्ट्रीय और राजकीय प्रोग्राम भी समय समय पर चलाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ तो इनकी मंशा लोगों के समूह का गठन, उसके विकास करने की होती है, जिसके बहुत अच्छे प्रमाण भी हमने देखे हैं, जैसे अमूल है, जैसे इंडियन कैफे हाउस है, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन साथ साथ में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें संस्थाओं ने अच्छे मुकाम पर अपने आप को पहुँचा कर दम तोड़ दिया। ऐसी संस्थाओं की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो भरी पड़ी हुई है। संस्थाएं हर वो कार्य कर सकती है जो किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी सेवाओं द्वारा किया जाता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, कंस्ट्रक्शन है, उस हर फील्ड में संस्था काम कर सकती है।
संस्था बिजनेस भी कर सकती है, बस उसका जो इंटेंशन है, मोटिव है या फिर उसका गोल है, वो लाभ नहीं होना चाहिए, उद्देश्य उसका लाभ नहीं होना चाहिए, किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर संस्था जा सकती है, प्रोडक्शन के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण करना, उसका विपणन करना, इसके ये भी संस्था के द्वारा किए जा सकते हैं। संस्था व्यक्तियों का जो पूरा समूह है अपनी पूरी ताकत लगाता है इसके निर्माण में, लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर संस्थाओं को सही तरह से उद्देश्य की पूर्ति के लिए माकूल दिशा निर्देश दिए जा सके। उसको देख लिया जाएगा कि अगर कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है, तो उसमें कोई तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन जैसे ही हल्का सा भी कोई आरोप लग गया तो उसमें सीधा उनके पुराने पूरे निकाले जाएंगे और उसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए भी उस संस्था को बंद करने के कगार पे ले आया जाएगा। ये पूर्ण रूप से संभव है कि संस्था के अंदर अंदरूनी रूप से कहीं भी अनुभव की कमी होती है, कभी रिसोर्सेज की कमी होती है, कभी उसमें मैनेजमेंट की कमी होती है, और इस वजह से कई संस्थाएं सफल नहीं हो पाती। और जो संस्थाएं अगर सफल हो भी जाती है सारे मापदंडों को पूरा करते हुए और उसको प्रॉपरली वो पूरा अचीव कर लेते हैं, सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, तब संस्था की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाते हुए किसी न किसी कानून के हवाले से उस पर सवाल थोप दिए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम संस्थाओं का जो एक स्थान है वो सर्वोपरि है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति सबके लिए होता है और सारे व्यक्ति किसी एक के लिए होते हैं। तो ऐसे रूप को या ऐसे जो सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, और उसमें अगर कोई तरह का डेवलपमेंट की कोई दिशा निर्देश हो, उसके एक प्रॉपर रेगुलेशन हो और उसके डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए। एक पॉइंट ये भी आता है कि कॉपरेटिव के अंदर क्या जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। हालांकि बहुत डीप में स्टडी करने की आवश्यकता है उसके अंदर कि कहाँ कहाँ किस तरह के टैक्सेस कहाँ लागू होंगे, कहाँ नहीं होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस कॉपरेटिव के अंदर अगर मेंबर्स ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, पैसा डाला है अपना पैसा, और वो पैसे से अगर उनको कुछ भी प्रॉफिट होता है, तो वो जो पैसा का प्रॉफिट है वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है, वो टैक्स में शामिल नहीं होता। लेकिन वही संस्था अगर किसी दूसरे तरीके से कोई इनकम प्राप्त करती है, जैसे अगर वो कोई प्रॉपर्टी है उसकी, उस प्रॉपर्टी पर वो एक किराया लेती है, या फिर कहीं तरह किसी दूसरे तरीके की फीस होती है जो कि सदस्यों से ना ली जाके कहीं और दूसरे तरीके से ली जाती है, तो वहाँ पर वो वाला पैसा टैक्सेबल की श्रेणी में आता है। लेकिन सही मायनों में इसमें एक डीप स्टडी की आवश्यकता है, जो समय आने पर आपके साथ साझा किया जाएगा जब भी आपको उचित लगे। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कोई बात मेरे पास करने को थी नहीं, लेकिन कुछ दिल में बात आई तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। और निश्चित रूप से जो अभी PIL चल रही है हाई कोर्ट में, उसकी जो अगली ऑटोमेटेड डेट जो निकली है वो 7 जुलाई की निकली है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट फाइनल नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकती है। इसके अलावा मेरा सवाल अभी भी स्थापित है जो मैंने पिछले वीडियो में दिए थे, तो मेरा संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे आग्रह है कि उन सवालों के जवाब दें, क्योंकि इतनी मुश्किल से अगर कोई केस तैयार किया जाता है और उसमें छोटी सी गलती की वजह से अगर इतना लंबे समय निकाल दिया जाता है, तो कहीं से कहीं तक भी किसी के हित में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और नियमों का पालना कीजिए। धन्यवाद।